सही बात क्या है, एकदम बिल्कुल बोगस बात है, आप लोग जानते नहीं, आप लोग नहीं पूछे हमसे, राष्ट्रपति वाला भी कौन ऐसे कर रहा है, एकदम बोगस बात, हमारी कोई इच्छा नहीं, भाई लोग भूल गए क्या, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों के चुनाव में हम लोगों की पार्टी ने कितना सपोर्ट किया, और वही तो वेट कर रहे थे, जिस दिन खत्म हो गया उसके बाद हम लोग पार्टी का मीटिंग किया, इसलिए सब बोलते रहते हैं, अरे बेचारे आप बोल रहे हैं, आप जानते ही हैं, उनको तो कुछ बनाया नहीं, आजकल बोल रहे हैं, तो जो लोग भी बोल रहे हैं वो अच्छा है, वो इतना बोले मेरे खिलाफ कि उनको फिर जगह मिल जाए, उन लोगों के लिए हमको कुछ नहीं कहना, सबको जगह मिल जाए, पार्टी से तो सब कुछ जगह दिया जी, पहले हुआ करते थे वो नहीं थे इसीलिए गठबंधन टूट गया क्या, अरे क्या बात करते हैं, ये लोग किस तरह से काम किए हैं, हम चाहते थे बनना, हम तो बनना भी नहीं चाहते थे, पिछली बार कल भी कह दिए हैं, लेकिन जिस तरह से सारा काम होता रहा और जिस जिस ढंग की बात होती रही और जिस ढंग के दृश्य आते रहे, ये तो बहुत ठीक नहीं रहता, स्पीकर साहब बोलिए ना, इनकी सब छोड़ करके चले गए बिना मतलब, और उसके बाद फिर जो करके तो फिर हम लोग अब साथ आ गए, सब मिल करके काम करेंगे, उनको अगर कोई सपना है तो अपना उसको पूरा करने के लिए जो मन में आवे हम लोग जान लीजिए पूरी मजबूती के साथ, बिहार के सभी लोग जो विपक्ष के हैं हम लोग सब कोशिश करेंगे मिल करके एकजुट होकर के आगे बढ़ने का, इसकी चिंता मत करिए, आज जिनको जो मन में आता है, देखिए जो पावर में है अब पूरा का पूरा आजकल का सारा एक एक चीज पर अधिकार है, तो अपना जितना प्रचार करते रहे उसे क्या मतलब, सरकार है कि पीएफआई पर कार्रवाई हुई इसीलिए गठबंधन टूट गया, पीएफआई पे कार्रवाई हुई, छोड़िए ना ये सब फालतू चीज है, बिना मतलब की बात है, अब क्या हुआ था, हम लोगों का कोई था, हमारे पार्टी का आप समझ लीजिए मैक्सिमम आदमी की कोई इच्छा नहीं थी, और अब जिस तरह से हराया गया था हम लोगों का लोग उनको जिताने में मदद किया था, कल ही कह चुके हैं, इसलिए सब बेकार चीज सोच रहे हैं, क्या हो रहा है आप लोगों को पता नहीं है, सब लोग देख नहीं रहे हैं, झारखंड में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, ये बताइए, हम लोग शुद्ध जनता के लिए चिंतित रहते हैं, काम करना चाहते हैं, और शुद्ध राजनीति होनी चाहिए, काम को लेकर के राजनीति होनी चाहिए, ये भाजपा के लोग जैसा हमने पहले बोला ना, जो डरेगा उसके पीछे सीबीआई इनकम टैक्स लगा दो, ईडी लगा दो, और जो बिकेगा उसके लिए रकम फिक्स कर दीजिए, तो बाकी तो ललन जी ने तो सारी बातों को एक एक करके विस्तार रूप से तो आप लोगों के समक्ष बताया ही है कि असली बात क्या है, इनका चाल और चरित्र उजागर है, आप देख नहीं रहे पूरे बिहार में कितनी खुशी का माहौल है, जो मुस्कान आम और गरीब के चेहरे से, आम आदमी के चेहरे से छिन गया था, आज वो मुस्कान खुशी अलग रहा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर, और लाइक करें फेसबुक पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।